अब हम बैक पैनल निकालने जा रहे हैं। बैक पैनल का आपको क्या करना है, जो साइड से दूसरे वाला पैनल बचेगा ना, वैसे इसको घुमा करके इस तरह से ऊपर जो बॉटम वाला होगा ऊपर वेस्ट पे आ जाएगा, और जो ऊपर वाला वेस्ट वाला होगा वो कमर के साइड, नीचे के बॉटम के साइड में आ जाएगा। तो अब इसको हम बैठाते हैं, इसको आपको सेंटर लाइन से इक्वल मेजर करके लगा लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर आपको निशान लगाना है, यहाँ से 1/4 नीचे, इस लाइन से 1/4 नीचे, और यहाँ भी 1/4 नीचे एक लाइन खींच लेना है, यहाँ से 1/4 नीचे ऐसे खींचना, यहाँ से भी 1/4 नीचे एक लाइन खींच लेना, इसको भी 1/4 नीचे लाइन खींच ले। अब वेस्ट, वेस्ट पे जो 1.25 इंच निशान लगाए थे उसको यहाँ पर सेम रखना है और इसको एक लाइन खींच लेना। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से आपको 2.5 इंच आगे बढ़ाना है और यहाँ पर 1 इंच, और फिर सेम वैसे ही स्केल रख करके इसको ये साइड पैनल है, साइड के पैनल पर इस तरह से इसको निकाला। अब हम ऊपर हिप के साइड निकालते हैं, ये जो लाइन है यहाँ से 1/2 इंच प्लस, यहाँ से 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, यहाँ से वेस्ट का मेजरमेंट, वेस्ट है 36, 36.5 से 8/5, 8/5 1/2 इंच डार्ट के लिए और 1/2 इंच इसमें सिम अलाउंस के लिए इधर स्टिच करने के लिए, तो 1 इंच इसमें ऐड हो गया। अब इसको हटा देंगे इस लाइन से, इसको सीधा हमें मार्क करना है 90 डिग्री बना करके, फिर इसको सर्कल हल्का सा कर्व कर देंगे इस तरह से, इसको मार्क कर। अब कटिंग कर लेते हैं, कटिंग आपको करना है ऊपर पोर्शन, सेम साइड के साइड में आपको बिल्कुल सेम टू सेम काटना है, जैसे फ्रंट कटा हुआ था सेम टू सेम ऐसे काटना है। इसमें 1.5 इंच ये फालतू रखते हैं, स्टिचिंग हमारी इस लाइन से होगी, इसको फालतू इसलिए रखते हैं कभी कमर वेस्ट बड़ा छोटा करने के लिए, ये बड़ा रखें। इसमें 1 इंच सिमलॉन दे करके इसको काट देते हैं। जो स्टिच आएगी हमारी यहाँ पर आएगी और लेग पे जो आएगी स्टिच यहाँ पर आएगी। अब हम डार्ट, डार्ट बनाते हैं, इसी लाइन से आगे एक लाइन खींच देते हैं 3.25 इंच का डार्ट बनाते हैं। और इसी पॉकेट की मार्क कर लेंगे, अगर आपको सेंटर्स बनाने तो सेंटर्स बनाने, तो नहीं तो 2 2 2 5 5। इस तरह से पॉकेट के निशान लग जाए, ये कटिंग कंप्लीट हो गया। आपको बैक रखना, आप जो कपड़ा बचेगा उसमें से बेल्ट निकालेंगे, लूप निकालेंगे, जो भी पॉकेट के लिए आपको खर्चा निकालना है उसको निकालना।